দিল্লি আবগারি কেলেঙ্কারি মামলায় আজ ইডির জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হওয়ার কথা ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের, কিন্তু আজ তিনি ইডি দপ্তরে না গিয়ে বিপাসনায় চলে গেছেন। এদিকে দিল্লির মন্ত্রী অতিশী মারলেনা সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়ালকে ইডির সমনের জন্য বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, এটা ইডির সমন নয়, বিজেপির। আম আদমি পার্টির প্রতি দিল্লি পাঞ্জাব সহ গোটা দেশের মানুষের আস্থা বেড়ে যাচ্ছে দেখে বিজেপি আমাদের দলকে ছত্রভঙ্গ করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক এক করে আপের সব নেতা মন্ত্রীকে জেলে ঠোকানো বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। অতীশি আরো বলেন, আজ ইডির জেরার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে যে সমন পাঠানো হয়েছে সেটা কোনো তদন্তকারী সংস্থার নয়, এটা বিজেপির বলে মন্তব্য করেন অতীশি মারলেনা। सबसे पहला मुद्दा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार साथियों के सामने रखना चाहती हूं वो है भारतीय जनता पार्टी की जो दोनों एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी जो इस तथाकथित शराब घोटाले पे पिछले दो साल से जांच कर रही हैं। इस जांच में सीबीआई ने ईडी ने सैकड़ों ऑफिसर्स को लगा दिया। 500 से ज्यादा अफसर सीबीआई और ईडी के मिलाकर दो साल से ज्यादा से इस तथाकथित घोटाले की जांच कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 के बाद से आज तक भारत के इतिहास में किसी एक पॉलिसी की इतनी जांच नहीं हुई होगी, इतने अफसरों द्वारा जांच नहीं हुई होगी जितनी इस तथाकथित घोटाले में हो रही है। दो साल की इस जांच के बाद, सैकड़ों अफसर लगाने के बाद अभी तक चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, एक रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने और न्यायालयों के सामने नहीं रख पाई है। उन्होंने हर जगह छापे मार लिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनके गांव में छापा मारा, उनके ऑफिस पे छापा मारा, संजय सिंह के घर पे छापा मारा, सैकड़ों जगह छापे मार लिए, लेकिन अभी तक एक रुपया कैश का भी ईडी और सीबीआई को बरामद नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी समन किया जा रहा है। तो बिना किसी सबूत के, बिना कोई पैसा बरामद हुए, हम इन गिरफ्तारियों को, इन समन्स को कैसे समझें? ये गिरफ्तारियां समझने के लिए, ये समन समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। हमें पिछले 8 साल से हो रहे दिल्ली सरकार के कामों के नतीजों को देखना पड़ेगा, पिछले 1 साल में हो रहे पंजाब में कामों को देखना पड़ेगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहां पर बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतने राज्यों में इतने सालों से सरकार चलाई है पर आज तक वो 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है लेकिन कहीं पर भी वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल जहां पे हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाई मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, आज तक देश के सामने नहीं रख पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली पानी स्कूल अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए
भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहां के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी। अब जो दूसरा मुद्दा, जो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको मैं पत्रकार साथियों के सामने रखना चाहूंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी को भी अगर किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी जमीन की दिल्ली में खरीद फरोख्त करनी होती है तो उसके लिए उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पर चाहे प्रॉपर्टी की खरीद बेच हो, चाहे किसी रेंटल अग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना हो, चाहे किसी विल के आधार पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना हो, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। अक्सर सब रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर कई प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आती हैं, कई प्रकार की शिकायतें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आई। एक ये शिकायत आई कि कई सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, जहां पे एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बहुत समय लग जाता है, और कुछ सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जो बिल्कुल ही खाली रहते हैं। तो कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहां पे एक दिन में 150 प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हो रही है, कुछ ऐसे हैं जहां पे 30-40 लोग भी नहीं आ रहे। दूसरी एक अक्सर शिकायत आई है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, कि वहां पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑफिसेज के बाहर कई प्रकार के दलाल मिलते हैं जो पैसों की मांग करते हैं। और क्योंकि लोग मजबूर होते हैं कि उन्हें अगर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें उसी सब रजिस्ट्रार के पास ही जाना है, तो उन्हें मजबूरी में ये पैसे देने पड़ते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को हल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर दिल्ली के राजस्व विभाग ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है। दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि अब हम एनीवेयर रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी लेकर आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? एनीवेयर रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है तो आप दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकते हैं। अब आप सिर्फ एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सीमित नहीं होंगे, दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार्स को अब जॉइंट सब रजिस्ट्रार की डेजिग्नेशन दी जाएगी और उनकी ज्यूरिसडिक्शन पूरी दिल्ली पर होगी। तो अगर दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है, अपनी रेंट डीड रजिस्टर करवानी है, तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दिल्ली के 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, उनमें से किसी में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अगर मैं जनकपुरी में रहती हूं तो मैं चाहे तो साउथ दिल्ली में भी अपॉइंटमेंट ले सकती हूं, नॉर्थ दिल्ली में ले सकती हूं, सेंट्रल दिल्ली में ले सकती हूं, वेस्ट दिल्ली में ले सकती हूं, ईस्ट दिल्ली में ले सकती हूं। अब इस पर कोई रोक नहीं है कि मुझे एक स्पेसिफिक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इससे दिल्ली के लोगों को कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो लोग अपनी कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरी बात, इससे
दिल्ली के लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी भी सामने आएगी कि अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर मिडलमैन है, कहीं पर उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो किसी और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपना प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकते हैं। तीसरा, क्योंकि लोग उन्हीं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे जहां पर ईमानदारी से काम होता है, जहां पर एफिशिएंसी से काम होता है, हमारे पास भी सरकार के तौर पे अपने सब रजिस्ट्रार्स का एक अप्रेजल करने का मौका होगा कि जिस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पब्लिक जाना पसंद करती है, ये सामने आ जाएगा कि वहां पे ईमानदारी से और एफिशिएंसी से काम होता है, और जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पब्लिक जाना पसंद नहीं करती है, ये भी सामने आ जाएगा कि वहां पर ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है। तो दिल्ली के लोगों के इंटरेस्ट में, उनके कन्वीनियंस के इंटरेस्ट में और ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये एनीवेयर रजिस्ट्रेशन की स्कीम लागू कर रही है। इस स्कीम का अप्रूवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हो चुका है और अब एलजी साहब को नोटिफिकेशन के लिए फाइल भेज दी गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और दिल्ली के लोगों को एनीवेयर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शब्द का इस्तेमाल किया है कि जहां से भाग रहे हैं सीएम केजरीवाल, भगोड़े बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो सामने रखे कि उनकी जो ये दो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई है चाहे वो ईडी है, उन्होंने पिछले 2 साल की जांच में उनको कितने पैसे मिले, कहां से मिले, आम आदमी पार्टी के किस नेता के किस ठिकाने से मिले, तब तो हम ये मानेंगे कि वास्तविक तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभी तक सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी हमारे मित्र संबित पात्रा जी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाए हैं। ईडी और सीबीआई तो नहीं ही रख पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी नहीं रख पाई है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये एक कारण से ही ये केस हो रहा है और वो है भारतीय जनता पार्टी का डर। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसका डर है और इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में जरूर देखेगी।